अब बात चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की। अरब सागर से बिपरजॉय पश्चिमी तट की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात अलर्ट मोड में है तो महाराष्ट्र से लेकर केरल तक वेस्टर्न घाट में तैयारी शुरू हो गई है। देश के पश्चिमी हिस्से से आपदा की ये बड़ी आहट है। ये पानी वाले नए तूफानी संकट के संकेत हैं। ये तबाही भविष्यवाणी की नई कड़ी है। समंदर से उठती ये लहरें उस बड़े तूफान की ओर इशारा कर रही हैं, जिसका नाम है बिपरजॉय, मतलब विपदा। आपदा वाला ये तूफान अभी अरब सागर में है, जो तेजी से पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बिपरजॉय तूफान गुजरात के पोरबंदर से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 जून तक तूफान के कच्छ के तट तक पहुंचने की आशंका है। बिपरजॉय साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर गुजरात के सौराष्ट्र जिले के तटीय इलाकों पर पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे बिपरजॉय पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे समंदर की लहरों का वेग बढ़ चुका है और कई इलाकों में बारिश भी तेज होने लगी है। जो साइक्लोन बिपरजॉय पास्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफिकेशन हुआ है और आज सुबह इसको हम एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म डिक्लेयर किए हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक लाइन, साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के चलते गुजरात में अगले दो दिनों तक 34 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि तटीय इलाकों में हवाओं की ये रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बिपरजॉय साइक्लोन की असर अब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के समुद्रीय तटों पर शुरू हो गई है। हवा की गति की बात करें तो हवा की गति भी तेज हो रही है। वेदर डिपार्टमेंट और वेदर एक्सपर्ट का कहना है कि पोरबंदर, जो कि गुजरात का एक समुद्रीय तट इलाका है, वहां से 540 किलोमीटर दूर है अभी बिपरजॉय साइक्लोन। बिपरजॉय तूफान की रफ्तार से नुकसान को कम से कम किया जा सके, इसके लिए गुजरात के तटीय इलाकों में NDRF की तैनाती कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार भी अलर्ट में है। CM भूपेंद्र पटेल ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया और समीक्षा बैठक की। गुजरात में तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई के मोहिम बीच पर भी लहरों के जरिए बिपरजॉय तूफान की आहट महसूस की गई। वहीं दक्षिण में बिपरजॉय के चलते तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, इडुक्की, कोझिकोड और कन्नूर सहित केरल के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।